जी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 विवाद नगर निगम के कर्मचारियों के साथ नहीं विवाद है यहां पे सामने रहने वाली मैडम के साथ में यहां पे शुक्ला मैडम करके कोई मैडम रहती है हम हमारे यहाँ पे पिछले 25 साल से काम करते आ रहे हैं भाई साहब हमारे यहाँ पे कहीं हम आपस में सब जनों से बना के चलते हैं ये हमारे आस पड़ोसी सब हमारे भाईचारे ही है सब और दरअसल बात यह है कि मैडम की घर में एक बुजुर्ग लेडी है जो 95 साल की है तो शायद उनसे संबंधित उनको कहीं कोई व्यय है तो इस चक्कर में उन्होंने हमारे यहाँ पे काम में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रही है अब उन्होंने नगर निगम वालों को फ़ोन किया कि भाई साहब इनके सब ये काम अनविवादित हैं या ऐसा है या वैसा है कुछ है तो उस कारण से नगर निगम वाले हमारे यहाँ पर आके हमारी भट्टी ले गए जबकि हमारी भट्टी हमारे दायरे में ही रखी गई है नोटिस हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला जो आपने नाम लिया शुक्ला जी मैडम वो काय में है शुक्ला जी मैडम एक सरकारी टीचर है उनकी माताजी हैं जो कि बहुत बुजुर्ग हैं अब वो हमसे क्या चाहती हैं वो हमसे ना तो हमें स्पष्ट शब्दों में कुछ बताती हैं ना कुछ और रही बात उस गली की जो गली का विवाद वहाँ पे हुआ है जो नगर निगम में वहाँ पे वो गली सील करी है वो गली सब आदमियों के लिए वाटर प्रोवाइडर है वहाँ से सब मैं ही नहीं मेरे आजू बाजू के आस पड़ोसी और अंदर के कॉलोनी वाले सब लोग उसमें से पानी भरते हैं उस गली को सील करना ठीक है आपने सील कर दी लेकिन इसके झड़प हुई नहीं झड़प किसी तरह की कोई झड़प नहीं क्या कहना क्या चाहते हम नगर निगम से ये चाहते हैं कि हमारा मैडम के साथ जो ये मसला है इसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए और इसमें किसी तरीके का कोई भी काम बाधित ना हो आपका सामान ले गए कुछ हाँ हमारी भट्टी ले गए हैं और पिछली बार हमारे यहाँ पे जो गली सील हो गई थी ये गली सील कर दी है हमारी और हमारी शॉप का नाम है शंकर चाट भंडार शंकर चाट मेरा नाम है प्रखर शर्मा आगरा गेट हम गोलदेव के पास ये गोलदेव के पास नया बाज़ार गोलदेव के पास गए थे वहाँ एक शुक्ला मैडम है उन्होंने एक शिकायत कर रखी थी वहाँ कोई उनकी बुजुर्ग माता जी है उनको कोई तकलीफ होती है 8% वगैरह हैं तो वहाँ जो 4-5 दुकानदार हैं जैसे शंकर जी चाट वाले कचोरी वाले जो गोलदेव और उसके पास साथ में एक खंडेलवाल है इन लोगों को कह के ये दुकान से बाहर सामान रखकर कचौरी पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उनको डस्ट वगैरह आ जाती है इस वजह से उनको परेशानी होती है उन्होंने कंप्लेंट बताई थी इस चक्कर में रड़ावता साहब से मेरे पास मैसेज आया था मैं गया था इन लोगों की बाहर भट्टी और सिलेंडर रखा हुआ था जिसका जो हमने सिलेंडर वगैरह भट्टी और सिलेंडर उठा के हमने गाड़ी में पटका था आज हमारे पास से ऑफिस में थोड़ा सैटरडे होने से स्टाफ कम था इस वजह से उसने सिलेंडर तो उठा के कहीं ले जाके छुपा दिया बाकी उसका जो चूल्हा वगैरह वगैरह तो हम जब्त करके लिया है और उसका जो लड़का था शंकर जी का वो थोड़ा मौके पे विवाद करने लगा पहले उसकी कार्रवाई करो मैं कहा जिसकी तुझे कार्रवाई चाहिए रिटर्न में एप्लीकेशन ऑफिस भिजवा दे उसके बाद हम बदतमीजी करी है हाँ हमारे लेबर के साथ वो जो झिकझिक कर रहा था उसको उसका उसका व्यवहार सही नहीं था वो मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा उसके बाद जैसा भी निर्णय हो वो मंडे को साफ से बात करके निर्णय करेंगे आपका नाम सत्यनारायण बोरा